नमस्कार, नेक्स्ट नाइन न्यूज देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूँ किरण यादव। इस वक्त की बड़ी खबर, दिग्विजय सिंह कांग्रेस अध्यक्ष का चुनाव लड़ेंगे और दिल्ली पहुंचकर दिग्विजय सिंह की तरफ से ये बड़ा बयान दिया गया है। देखिए, उन्होंने कहा है कि कल नामांकन मैं दिल्ली जाकर दाखिल करूंगा। उनकी तरफ से बड़ा बयान दिया गया है। कांग्रेस अध्यक्ष और राजस्थान के मुख्यमंत्री के बीच में जो विवाद चल रहा है, इस बीच दिग्विजय सिंह ने गुरुवार को कहा कि वो अध्यक्ष पद का चुनाव लड़ेंगे। दिग्विजय दिल्ली में कांग्रेस दफ्तर पहुंच चुके हैं और उन्होंने कहा कि मैं यहां नामांकन फॉर्म लेने आया हूं और कल नामांकन दाखिल करूंगा। दिग्विजय थोड़ी देर में गहलोत और सोनिया गांधी से मुलाकात करेंगे और इस बीच कांग्रेस महासचिव केसी वेणुगोपाल भी दिल्ली पहुंच चुके हैं। आपको जानकारी दे दें कि उन्होंने कहा है कि एक दो दिन के अंदर ही राजस्थान का मामला सुलझ जाएगा। वेणुगोपाल ने सोनिया गांधी से मुलाकात के बाद ये बड़ा बयान दिया है कि एक दो दिन के अंदर ही राजस्थान का ये मामला सुलझ जाएगा। सोनिया से गहलोत की मुलाकात भी थोड़ी देर में होने वाली है और माना जा रहा है कि इस मुलाकात के बाद राजस्थान पर भी फैसले का बड़ा ऐलान किया जा सकता है। राजस्थान में अशोक गहलोत समर्थक विधायकों के बागी तेवरों के बाद सोनिया गांधी पूरे घटनाक्रम पर नाराज है। विधायक दल की बैठक के बहिष्कार और गहलोत के समर्थक मंत्रियों के बयानों को ऑब्जर्वर्स की रिपोर्ट में हाईकमान के आदेशों का उल्लंघन और गंभीर अनुशासनहीनता मानते हुए नोटिस जारी किया है। अब नोटिस जारी होने के बाद अब गहलोत भी पूरे मुद्दे पर अपना पक्ष रखेंगे। गहलोत खेमा प्रभारी अजय माकन पर पक्षपात करने और सचिन पायलट को फेवर करने का खुले आम आरोप लगा चुके हैं। गहलोत राजस्थान में मुख्यमंत्री रहेंगे या अध्यक्ष का नॉमिनेशन करवाया जाएगा, इन दोनों पर अभी फैसला हो सकता है। लेकिन इस बीच जो बड़ी जानकारी है वो यही है कि दिग्विजय सिंह ने दिल्ली पहुंचकर बड़ा बयान दिया है और उन्होंने कहा है कि वो कांग्रेस के अध्यक्ष पद को लेकर चुनाव लड़ेंगे।